सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर। लॉकडाउन के चलते शराब माफियाओं पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर दिखाई दे रही है। जहां MP के बालाघाट में ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में एक नाबालिग भी है और 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामले का खुलासा करते हुए प्रभारी CSP अपूर्व भलावी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी, कुछ लोग बुलेरो गाड़ी से शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिन्हें घेराबंदी कर रोका गया। आरोपियों के पास से देशी शराब की 15 पेटी बरामद की गई है। अवैध शराब तस्करी में 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी में एक नाबालिग है। संभवतः ये सिवनी जिले से शराब लाकर यहां डिलीवरी करने वाले थे। जब्त शराब की कीमत लगभग 52,000 रुपए है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट अधिनियम की धारा 34B के तहत मामला पंजीबद्ध कर जेल भिजवा दिया गया है। कल रात को मुखबिर सूचना से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बुलेरो में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। तो जैसे ही सूचना हमारे नवेगांव थाने को प्राप्त हुई, तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम हमने फिर भेजी जो गोंगले जो नाका है उधर पे गए। तो पता चला कि गर्रा तरफ से बुलेरो आ रही थी, तो जैसी टीम ने उनको चारों तरफ से घेर के पकड़ने की कोशिश की, तो जो चालक था वो भाग गया, मगर जो 3 आरोपी हैं जिसमें से एक नाबालिग है, वो लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब मिला, जिसमें लगभग 15 पेटी शराब मिली, जिसमें से 13 पेटी प्लेन और 2 पेटी मसाला है। कुल 133 लीटर 133 लीटर्स शराब मिली। तो ये काफ़ी गंभीर अपराध है, इसलिए 34(2) जो आबकारी एक्ट का कार्रवाई होती है वो इन आरोपी के विरुद्ध की गई है, और जो आरोपी भागा है उसे पकड़ने की सतत कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी कीमत की होगी लगभग? लगभग आप 50,000 से ऊपर मान लीजिए, 52,000 कुछ कीमत है इसकी शराब की। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? चूँकि हमें मुखबिर ने बताया कि गर्रा से आ रहे हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये सिवनी तरफ से परिवहन करते हुए यहाँ आ रहे होंगे, और हमने चूँकि यहाँ पे पकड़ा है ना, और पूछताछ करके और खुलासा होगा कि इनका जो मतलब मूल है वो कहाँ से आते हैं और कहाँ तक इनको सप्लाई करना होगा। क्या ये आदतन है कि कोई नए व्यक्ति हैं? अभी तो इनका कुछ विशेष पता नहीं चला है पुराना रिकॉर्ड, मगर हो सकता है कि इनमें से कुछ आरोपी जो हैं उनको पुराने मामलों में भी कभी पकड़ा गया हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाएगा। किसी से जुड़ा हुआ कर्मचारी या राजनीतिक दल है? अभी तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली, और चूंकि रात को ये कार्रवाई हुई थी और आज विवेचना में ले लिया जाएगा, तो जिसके नाम आएंगे पता चलता जाएगा। सर, कहाँ के ये कार्रवाई? लगभग हमें सूचना रात को मिली थी, तो लगभग 2 बजे से आप मान के चलिए 5 बजे के बीच में सब घटनाक्रम हुआ है, तो रात की पूरी कार्रवाई। तो सर, कहाँ के निवासी हैं ये जो आरोपी हैं? वो हट्टा थाना क्षेत्र के अंदर अपना नाम बताया है इन लोगों ने, बाकी और पता चलता जाएगा कि कहाँ पे रहने वाले और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। एक का नाम है इसमें धर्मेंद्र और एक राहुल, एक नाबालिग है तो उसका नाम। बालाघाट से पंकज जहरवाल, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।